हमारे पूर्वजों ने हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को जो है ज्यादा तरजीह दी, उनके दूरगामी सोच को उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि हमने उन चीजों को धता बताते हुए विकास के एक असंतुलित ढांचे को अपनाने की होड़ में लग गए और आज स्थिति यह है कि हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, ये विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। तो ये निश्चित रूप से चिंताजनक विषय है और जैसा कि अभी हमने बताया कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को भी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए और समय की सीमाएं हैं। हमने बहुत से लोगों को सुना, अच्छे अच्छे विचारों को सुना और हम जय हिंद सर। धन्यवाद राजेश कुमार। जैसा कि आपने अपने बातों से हमें ये बताया कि मानव जो है प्रकृति की कृति, पर आपने ये भी बतलाया लेकिन इसी कृति ने अंधाधुन नुकसान पहुंचाया है। तो पर्यावरण जो है वह हमें अधिकार भी दिए हैं और पर्यावरण के प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम किस तरह से पर्यावरण को बचा के रखें, किस तरह से हम पेड़ पौधों को बचा के रखें, क्योंकि तो पेड़ पौधे पे वन्य जीव भी निर्भर रहते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वन्य जीव वो भी भारी नुकसान पहुंच सकता है या पहुंचेगा। तो मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातों को रखने के लिए प्रगति कुमारी का नाम लेना चाहूंगा, वे अपनी बातों को रखेंगे। गुड मॉर्निंग सर, मैम एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज 5 जून है जिसे हम लोग पर्यावरण दिवस के नाम से जानते हैं, पर हमारे कॉलेज ने आज एक वेबिनार आयोजित किया है जिसका विषय दिया गया है मानव सभ्यता के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य। विश्व पर्यावरण दिवस में जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी। 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसे हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, इको डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वेड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पर्यावरण जलवायु स्वच्छता प्रदूषण तथा वृक्ष का सभी को मिलाकर बनता है और ये सभी चीजें यानी पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित करता है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण को रोकना, स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। मानव की बुरी आदतें जैसे पानी को दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित करती है, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। पर्यावरण के जैविक संगठकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकौड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं आदि भी शामिल है, जबकि पर्यावरण के अजैविक संगठनों में